हेलो गाइस, वेलकम टू मास गैंग ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन चैनल। देखिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था SI और CI, वो वाला हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है SI का, सिर्फ किसका, SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का जो है ना स्पेशल टॉपिक है। इसके अंदर हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ जल्दी मिल जाएँ। अगर आपको कमेंट्स वगैरह, अगर कोई और क्वेश्चंस वगैरह है आपके पास, तो वो ज़रूर आप हमें चाहें तो कमेंट्स में भेज सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ये हमारा एक स्पेशल टॉपिक है, ये इसको हम अलग से करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशल क्वेश्चंस सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे बेस पे, और वो किस चीज़ पे बेस पे आते हैं पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे रेट एंड टाइम बेस्ड, दर और समय के ऊपर जो है हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम पूरे इसमें करेंगे। इसमें देखिए, दरअसल क्या होता है, या तो पूछेगा हमसे रेट क्या होती है, या हमसे पूछेगा टाइम कितना होगा या समय कितना लगेगा। देखिए, अब हम ज़्यादा देर नहीं करते, हम सीधा इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक साथ पढ़ा था, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब सिमिलर थे, एक जैसे थे और एक साथ थे। अब जो आएगा वो नेक्स्ट लेवल आएगा, उसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे। सपोज़ कीजिए, देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन में कहा गया है 10,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है 10,000 रुपये, 2 साल में 10,000 रुपये, 2 साल में SI की रेट से 12,000 हो जाते हैं। कितने 12,000 हो जाते हैं, तो रेट बताएं, ब्याज की दर बताएं। ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा इसमें और भी कई तरह के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं, हम वो देखेंगे। देखिए, रेट के सवाल क्या क्या आते हैं, जिसमें दर पूछा जाता है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है 10,000 रुपये जो हमारा प्रिंसिपल है, आफ्टर 2 ईयर इट बिकम्स 12,000, 12,000 हो जाता है। तो वो रेट क्या होगी वो हमें बतानी। देखिए, हमें क्या दिया गया है, हमें इसके अंदर जो दिया गया है वो है प्रिंसिपल 10,000, हमें प्रिंसिपल दिया है। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है टाइम, 2 ईयर का हमें टाइम दिया गया है, 2 साल का। और हमें दिया गया है अमाउंट 12,000 का, कितने का 12,000 का, ये अमाउंट है 2 साल का। तो हम A2Y लिख देंगे, ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ हमें बताएगी कि ये जो अमाउंट है, धन है, वो 2 साल बाद का है, और ये हमसे पूछ रहा है रेट क्या होगी या दर क्या होगी वो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम वो देखते हैं। हम पहले लिखेंगे पी हमारा था कितना 10,000, और अमाउंट कितना हमारा 12,000। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस, इसको यहाँ पे लिखते हैं, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट आता है। तो इसमें हमें फ़र्क दिख रहा है कितना, 2,000 का। तो ये 2,000 क्या है, ये 2,000 हमारा इंटरेस्ट है, 2,000 हमारा इंटरेस्ट है, मगर ये 2 साल का है, कितने का है, 2 ईयर का इंटरेस्ट है। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,000, क्योंकि साधारण ब्याज में जो इंटरेस्ट होता है वो सेम होता है नेक्स्ट ईयर का भी, इसलिए 2 साल का 2,000, 1 साल का 1,000। अब हमें पता है 1,000 रुपये हमें मिल रहे हैं, किसके ऊपर मिल रहे हैं, 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर। हम सीधा ये कर देंगे, रेट निकल जाएगी, प्रिंसिपल कितना मिला हमें 1 साल में, 1,000 कितने पे, 10,000 पे, इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगी, 3, 2 हो गया ये 3, 4, 3, 4, तो हमारी इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10% आ गई। ठीक है, हमारी इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10% आ गई। एक बार इसको फिर से देख लीजिए,
क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है अमाउंट, टाइम और प्रिंसिपल दिया गया है, सॉरी प्रिंसिपल दिया गया है, मूलधन, समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, अमाउंट या धन कितना हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लिए, 10,000 रुपये 2 साल में साधारण ब्याज की दर से 12,000 हो जाते हैं, तो वो दर बताइए, ये पूछ रहा है। और ये सिर्फ 3 चीज़ गिवन है। हमने क्या किया, हमने पहले प्रिंसिपल लिखा, 10,000 हमारा प्रिंसिपल था, मूलधन था, वो 12,000 हो गया, कितने 2 साल बाद। और जो हमारा जो धन होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो अब हमने ब्याज को अलग कर लिया, ब्याज जो है हमारा 2,000 है, लेकिन ये 2 साल का है, 1 साल में ब्याज कितना आ रहा है, 1,000। तो 1,000 रुपये हमारे किस पे आ रहे हैं, 10,000 पे हमें 1,000 रुपये आ रहे हैं, तो वो कितना परसेंट हो जाएगा इसका, 10%। ये जो 10% है यही हमारे इंटरेस्ट है, ऐसे हमारा लिख गया, ठीक है। सपोज़ कीजिए, अब क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं और अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए सपोज़ कीजिए ये तो हो गया ऐसा कुछ। अब हमें ये भी नहीं दे, ठीक है, हमें ये भी नहीं दिया गया है। अब हमें क्या चीज़ दी गई है वो देखना, ए 5 साल में हो जाता है 15,000। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, अब आप वो चीज़ देख लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, इसके अंदर टाइम भी नहीं दिया है, इसके अंदर टाइम भी नहीं दिया है। हमें क्वेश्चन क्या है एक बार वो देख लीजिए, कोई धन साधारण ब्याज पर 2 साल बाद 12,000 हो जाता है तथा 5 साल बाद 15,000 हो जाता है, इफ़ अ प्रिंसिपल ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इट बिकम्स 12,000 एंड आफ्टर 5 ईयर इट बिकम्स 15,000। अब हमें क्या चीज़ गिवन है, अब हम वो चीज़ देखेंगे, ये दोनों ए 2y ए 5y, 2 साल का अमाउंट कितना है हमारा, 2,000 रुपये, ठीक है, 5 साल का अमाउंट कितना है हमारा, 15,000 रुपये, ठीक है, गैप कितना है हमारा 3,000 का, ये 3,000 क्या है, इंटरेस्ट है, कैसे मिला, देखिए यहाँ पे जुड़ रहा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का इंटरेस्ट, 5 ईयर का इंटरेस्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे अगर 15,000 में से 12,000 माइनस हो जाए, मतलब प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल गया 0, 5 साल के इंटरेस्ट में से 2 साल का इंटरेस्ट गया, कितने साल का इंटरेस्ट बच गया, 3 साल का इंटरेस्ट बच गया, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा हमारा, 1,000, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, 2,000। अमाउंट हमें पता है, 2 साल में अमाउंट कितनी हो रही है मेरी, 12,000, ठीक है, तो 2 साल पहले धन कितना था, 2,000 माइनस कर देंगे, 2 साल का इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर देंगे, अगर हम ए 2y की वैल्यू क्या है हमारी, p प्लस इंटरेस्ट है, ये हमें पता है 12,000 है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, इंटरेस्ट हमें पता चल गया कितना आया, 2 साल में 2,000 रुपये आया, 2,000 रुपये है, तो प्रिंसिपल हमें पता चल जाएगा 10,000 रुपये है, कितना है प्रिंसिपल हमारा, 10,000 रुपये। इससे हमें क्या चीज़ पता चलेगी, अब हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1,000 रुपये में, 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 10,000 रुपये पे, 1,000 रुपये साल का इंटरेस्ट मिलता है, इंटू 100, ये कितना परसेंट है वो हम देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, ये आ गया हमारा 10%। और ये क्या होती है हमारी रेट, दर, इसमें भी दर हमारी 10% है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 साल बाद 12,000 हो जाती है और वही धन उसी रेट से साधारण ब्याज की दर पे 5 साल बाद 15,000 हो जाती है, ठीक है, एक ही प्रिंसिपल है जो 2 साल बाद में 12,000 हो रहा है एंड आफ्टर 5 ईयर इट बिकम्स 15,000। तो ये हम देख लेंगे क्या है, 2 ईयर का मतलब है प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर इंटरेस्ट, और 5 साल का अमाउंट का मतलब हो गया प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने देख लिया गैप आया हमारा 3,000 का, ये 3,000 क्या है वो हमने देख लिया, प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल गया, ठीक है, 5 साल का इंटरेस्ट है, 2 साल का इंटरेस्ट है, बचा कितना, 3 साल का इंटरेस्ट, गैप कितना है, सिर्फ 3 ईयर का इंटरेस्ट है हमारा,
वन ईयर का इंटरेस्ट हो गया 1000, टू ईयर का इंटरेस्ट हो गया 2000। अब हमें पता है टू ईयर अमाउंट कितना है, 12000। 12000 में से हमने 2000 माइनस कर दिया, हमारा प्रिंसिपल आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया 10000। अब हमें ये चीज़ पता है जो ब्याज मिल रहा है वो एक साल पे 1000 रुपये मिल रहा है, तो 1000 रुपये किसके ऊपर मिल रहा है, वो हमारा प्रिंसिपल के ऊपर मिल रहा है, मूलधन के ऊपर 1000 रुपये ब्याज मिलता है, तो वो उसका कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। एक साल में जो हमें ब्याज मिला वो कितना है, 10% हो गया। अब सपोज़ कीजिए कि क्वेश्चन ऐसा भी ना है, ठीक है, ये हमारे दो टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं, अब एक और टाइप का क्वेश्चन दिया, ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं दिया होगा फिर भी ये पूछ लेगा, क्या पूछेगा, ये कहता है कोई धन, ये हमसे रेट पूछ रहा है और ये बोल रहा है अमाउंट 2x हो रही है या 10 ईयर में। देखिए ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 साल बाद दोगुना हो जाता है। दोगुना होने का मतलब क्या है, पी जो था वो 100 था, आफ्टर 10 ईयर 10 साल के बाद वो 200 हो रहा है, कितना हो रहा है, 200 हो रहा है, 200 हो रहा है, ठीक है, डबल हो गया, तो हम इसको 200 ले लेते हैं, अगर वो 100 था तो वो 200 हो गया, हमारे 100% कितना आया, इंटरेस्ट आया, 100 इंटरेस्ट आया, मगर कितने का, 10 ईयर का इंटरेस्ट है, 10 ईयर का इंटरेस्ट है 100, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 10, कैसे, 100 / 10 इंटरेस्ट 10 हो गया, 1 ईयर का इंटरेस्ट 10 है, और हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100, तो हम निकालेंगे 10 / 100 100, ये आ गई हमारी इंटरेस्ट, तो रेट कितना आ गया हमारा, दर कितना आ गया, ब्याज दर 10%। देखिए सिंपल था, हमने कुछ नहीं किया, हमें कहा गया कोई धन 10 साल बाद दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है, हमने मान लिया जो हमारा धन है वो 100 है, 10 साल बाद 200 हो जाता है, कितना जुड़ा, 100 जुड़ा, तभी 200 हो गया, 100 जुड़ा कितने में, 10 साल में, मतलब 10 साल में 100 रुपये इंटरेस्ट आया, ऐसा अगर हम माने तो। देखिए इसे हम ये भी मान सकते हैं कि यदि 100 रुपये कोई धन था तो 10 साल बाद 200 रुपये हो जाता है, दोगुना हो गया ना, फिर उसका हमने इंटरेस्ट निकाल लिया 10 ईयर का, 100 आता है, आफ्टर 1 ईयर का आ गया हमें 10, तो हमने 10 किसके ऊपर आया है इंटरेस्ट, वो मूलधन के ऊपर आया, तो हमने 10/100 कर दिया, 100 करते ही हमारा ये 100 से 100 कट गया, और जो जो ब्याज दर बची वो हमारी कितनी बची, 10%। देखिए जब बहुत इजी क्वेश्चन है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लीजिए, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 साल बाद दोगुना होता है तो वो कितने, तो कितने साल बाद 4 गुना हो जाएगा, ये हमें कह रहे हैं, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से कितने 10 साल बाद, हाँ 10 साल बाद में 2 गुना हो रहा है, ठीक है, तो वही धन कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। देखिए हमें दे रखा है यदि कोई धन है हमारा 100, ठीक है, 10 साल बाद कितना हो रहा है वो 200, तो कितने साल बाद, ये चीज़ पूछ रहा हमसे, कितने साल बाद वो 400 हो जाएगा, मतलब क्या है, अभी हम साफ देख लेते हैं, ये है हमारा 100 इंटरेस्ट है, 10 ईयर का इंटरेस्ट है, सिंपल है, ये है हमारी अमाउंट कितने 10 साल की, ये हमारी अमाउंट इतने साल की है, कितने साल का हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है कितने साल लगेंगे कि ये 400 हो जाए, तो हमारी इंटरेस्ट आ गई हमारी 1 ईयर की इंटरेस्ट हो गई हमारी 10, ठीक है, तो हमारी रेट कितनी होगी, रेट होगी हमारी 10/100 × 100 10%, 1 साल में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और हमें कितना चाहिए, हमें इससे नहीं जोड़ना है, हमें जोड़ना है इससे, अब हम जोड़ेंगे इसको, 100 था
400 हो गया, कितनी इंटरेस्ट चाहिए हमें? 300 इंटरेस्ट चाहिए, 300 इंटरेस्ट चाहिए। एक साल में कितनी इंटरेस्ट मिलती है? हमें पता है एक साल में सिर्फ 10 ही इंटरेस्ट मिल रही है, 10। तो इंटरेस्ट कितने टाइम में मिलेगा? टाइम इंटरेस्ट हमें पता है कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो इंटरेस्ट जो है हमारा नीचे चले गया। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है टाइम से जब हम इंटरेस्ट को इंटू करते हैं तो 300 आएगा। इंटरेस्ट हमारा 10 है एक साल का, तो 300 डिवाइडेड बाई एक साल में 10 आ रहा है, तो 300 के लिए हमें कितने लगेंगे? 30 साल, मतलब ए 30 ईयर के बाद में ये हो जाएगा 400, चार गुना हो जाएगा, ये जो ब्याज है वो चार गुना है। देखिए अब इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये हमने कैसे किया। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है यदि कोई धन 10 साल बाद, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 साल बाद दो गुना होता है तो वो कितने साल बाद चार गुना होगा? धन चार गुना हो जाएगा। इसका मतलब है पहले 100 था, आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद वो 200 हो गया, और कितने साल लगेंगे कि वो 400 हो जाए? ठीक है, तो हमारी जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया? 10 आ गया। इंटरेस्ट 10 का मतलब हो जाता है रेट, या हम कह दें स्पीड। देखिए स्पीड मैंने क्यों कहा वो देखिए, हर साल 10 मिल रहा है, 10 साल तक 10 मिला, 100 हो गया, 200 हो गया, तो हमारी स्पीड क्या होगी? 10 होगी। ऐसे ही हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो भी हमारी जो रेट आई वो 10% ही आई। तो अब हमें जानना है 300 इंटरेस्ट कितने समय में मिलेगा, कितने समय में 300 इंटरेस्ट मिलेगा? एक साल में हमें कितना मिल रहा है? 10। कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने साल में 300 इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो है हमारा 30 ईयर। ऐसे हम लिख देंगे जो अमाउंट है उसको चार गुना होने में 30 साल लगेंगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा वो चीज़ देखिए। देखिए क्वेश्चन है दो साल में कितना? 36/25 गुणा, ठीक है, तो रेट क्या है? ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, क्या है हमारा क्वेश्चन? कोई धन 2 साल में 36/25 गुना हो जाता है साधारण ब्याज की दर से, तो दर साधारण ब्याज की दर से। देखिए क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बता देता हूँ, कोई धन 2 साल बाद 36/25 गुना हो जाता है तो उसकी दर बताइए। देखिए अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं, हम पहला फॉर्मूला लेके चलते हैं। ठीक है, हम पहला फॉर्मूला लेके चलेंगे, वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा एक बार आप उसको देखिए। ठीक है, अब आप उसको देखिए, हमारा पहला फॉर्मूला क्या होता है, हमारा पहला मेथड क्या होता है? सपोज़ कीजिए पी 100 था, पी क्या था? 100 था, आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद में क्या हो जाता है वो कितने गुना हो जाएगा? 36/25, ये कटा 4 जा 144, अमाउंट कितना हो गया 2 साल बाद? इतना डिफरेंस कितना हो गया? 44। 2 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट हो गया हमारा 22, और यही हमारी क्या हो गई? रेट हो गई। कैसे हो गई? अब मैं लिखूँ रेट, 22 रुपये मिल रहे हैं 1 साल के, 100 पे मिल रहे हैं, इंटू 100 करूँ तो रेट आती है हमारी 22%। कितनी आती है? 22%। एक तो होता है ये, अब हम दूसरा फॉर्मूला लेंगे, इससे पहले इसको समझ लेते हैं। हमने धन ले लिया 100 जो धन है वो 36/25 गुना हो जाता है। हेलो गाइस, तो अब हम इसका पार्ट टू देख लेते हैं। पार्ट टू का मतलब है कि हम इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो तरीका होता है हमारा ये, हमने क्या निकाला डिफरेंस, पहले हमने अमाउंट निकाल दिया कितना होगा 2 साल बाद, अमाउंट कितना
जो प्रिंसिपल है उसका 36/36/25 होगा, 144 है। 44 हमारा क्या है, डिफरेंस है इन दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस मतलब इंटरेस्ट जो होता है वो डिफरेंस आता है। डिफरेंट कितने साल का है, 2 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 22। अब हमने रेट भी कितनी आई है, 22 आई है। ये एक तो होता है ये हमारा M1। अगर हम लेते हैं M2, M2 हमने क्या ले लिया, 36/25। इसको हमने मान लिया अमाउंट, इसको हमने मान लिया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 25, ठीक है। अमाउंट है हमारा 36। डिफरेंस कितना है हमारा, हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि डिफरेंस है हमारा 11। ये है हमारा इंटरेस्ट, कितने साल का है, ये 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। अब हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 11/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 11/2 1 साल में आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, 25 × 100। 25 के ऊपर आ रहा है, इंटू हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। ये गया यहाँ से, गया 1 जा, ये गया 4 जा, 11/2 × 4, 2 हो गया 22। ये आ गई हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी, 22%। देखिए ये पूरा जो हमने किया, तो इसमें हमें क्या चीज़ पता चली, जो रेट जो है ना, वो रेट परसेंट पर एनम थी। और क्या लिखा है मैंने वो देखना, 1 साल में 100 पे जो कमाया वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हुई, मतलब एक साल में जो भी कमाया वही रेट हुई, वही इंटरेस्ट। देखिए इस चीज़ को ना साइड में लिखा, देखिए मैंने इसमें क्या लिखा है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं लिखी है। 1 साल में जो भी कमाया वही रेट हुई, वही इंटरेस्ट हुई, कितने पर, 1 साल में, 100 पर। इसके आगे हम लिखेंगे जो भी कमाया, जो भी 1 साल में जो भी कमाया वही रेट होती है और वही इंटरेस्ट होती है। देखिए 100 पे हमने पहले कितना कमाया था, 22, तो वही हमारी रेट हुई, वही हमारी इंटरेस्ट हुई, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आता ही है, सपोज़ कीजिए, अब हम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, उसमें देखिए और हमें समझ में आ जाएगा। हम M2 वाले फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 2 साल की जगह अगर मैं ले लूँ 3 साल, 3 साल में कमा कर कितना होता है, 39/35, कितना हुआ, 39/35। इसका मतलब अब आप समझिए, देखिए मैं कैसे निकाल देंगे, पी है हमारा 35, जैसे मैंने पहले किया था, अमाउंट है हमारा 39, 3 ईयर का है, डिफरेंस कितना हो गया हमारा, अब हमें वो चीज़ देखनी है, हमारी जो डिफरेंस है वो हो गया हमारा 4, 3 ईयर का इंटरेस्ट है, ये डिफरेंस क्या है, 3 साल का इंटरेस्ट है ब्याज जुड़ने पर। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे 4/3, 4/3 कितने पे हो रहा है हमारा, 4/3 हो रहा है 25 पे, इंटू 100, ये आ गई हमारी रेट, ये डिवाइड किया 4 से, 4 जा 16 / 3, ये क्या आ गई हमारी इंटरेस्ट आ गई। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 35 है, कितना है 35 है, तो ये जाएगा 20 से, ये जाएगा 7 से, नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा हमारा 80, 4 × 20, 80, 7 × 3 = 21, 21 को कितने जाएगा, 3 जा जाएगा, 3 जा कितने जा जाएगा, 63 बचा कितना, 17/21%, ये हमारी इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। देखिए बहुत इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। मैंने क्या किया, 39/35 था, उसको मैंने 35 हो गया हमारा प्रिंसिपल, 39 हो गया हमारा अमाउंट। फिर क्या हुआ, हमें पता चला इसके बीच में अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। इसके अंदर 3 साल का इंटरेस्ट ऐड है, तो वो हमने निकाल दिया कि 3 साल में 4 इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल में इंटरेस्ट हो गया 4/3, तो 4/3 1 साल में आ रहा है, किसके ऊपर, 35 के ऊपर 1 साल में इंटरेस्ट आ रहा है 4/3, तो 3 साल में 4 हो जाता है, ऐड होके 39 आ जाता है, तो ये हमारा
फॉर्मूला आ गया, ये हम एम टू वाला फॉर्मूला लगा रहे। अब हम सपोज कीजिए, अब हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 4 साल में, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन में ना आके हमें लिखा हुआ गया 1.25 गुना हो जाते हैं। 1.25 गुना का मतलब क्या है, पहले पी 100 था, जो अमाउंट है वो हो गया 1.25, 125 हो गया, हो गया। अगर हम इसको एक मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.25 हो गया। पहले एक था, अब 1.25 गुना हो गया, कितना आया हमारा इंटरेस्ट, आया 25। इंटरेस्ट आया 25, 4 साल का है, 1 साल का हो गया 25/4। कितने पे आ रहा है 25/4, अब हम रेट निकाल देंगे, कितने पे आ रहा है 25/4, 100 पे आ रहा है, 100 पे आ रहा है, इंटू 100 कर दिया मैंने, 100 से 100 कट गया, रेट क्या आ गई, रेट आ गई हमारी 4/6 = 24, 1/4% रेट है हमारी 6/1/4%। देखिए इजी था, अमाउंट तो था वो हमारा 1.25 गुना हो गया, मतलब अगर 1 रुपये होते तो 1 रुपये 25 गुने, 1 रुपये 25 पैसे हो गए, हमारा 100 था तो 125 हो गया। 25 क्या है हमारा इंटरेस्ट है, कितने साल का है, 4 साल का है, 4 साल में इतना गुना होता है, 4 साल में, मतलब हमने इसको ये मान लिया, जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो गया। और ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 6/1/4, 6/1/4, 1 साल में 100 पे जो भी कमाए, 1 साल में कितना कमाया हमने 25/4, 100 पे कमाया, तो यही हमारी रेट है, ठीक है। ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है, 1 साल में 100 के ऊपर हम जितना भी कमाते हैं वही हमारी रेट होती है और वही हमारा इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट भी हमारा 25/4 था, रेट भी हमारी यही है 25/4, हम क्या हुआ, नीचे 100 ऊपर 100। अगर हम इसको हटा दें, क्योंकि नीचे अगर 100, यहाँ पे तो 100 रहेगा इंटू में, नीचे 100 है तो वो कट जाएगा, तो जो हमारे इंटरेस्ट होती है वही हमारी रेट हो जाती है, इसलिए मैंने कहा था। चलिए अब हम ऐसा ही क्वेश्चन एक कर लेते हैं, सपोज कीजिए, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 15 साल में अब अगर लिखा हुआ था है कोई धन, ठीक है, कोई धन 15 साल में, 15 साल में कितना होता है, 2.6 गुना होता है, तो कितने साल में 4 गुना हुआ, ठीक है। ब्याज की, कोई धन 15 साल में 2.6 गुना होता है, ठीक है, गुना होता है, तो 4 गुना कितने साल में होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 साल में कितना होता है, 2.4 गुना, मतलब 15 साल में पहले 100 था, 15 साल बाद कितना हो गया, वो 260 हो गया, ठीक है, कितने साल में वो 400 होता है, ये पूछा है हमसे, कितने साल में वो 400 रुपये हो जाएगा, 100 का 4 गुना हो गया, ठीक है, 100 का 2.6 गुना ये हो गया। अब हम सिंपल करते हैं, क्या हम देखते हैं कितना आ रहा है, 160 का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने साल में, 15 साल में, सिंपल 15 साल में इतना मिल रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 साल का आ जाएगा, कितने साल का आ जाएगा, 1 साल का आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई आ जाएगा ये 3, कितना, 1 साल में हमें 3 मिल रहा है, तो हमें कितना चाहिए, हमें इतना इंटरेस्ट चाहिए, और 1 साल में हमें कितना मिलता है, इतना 3 जो है वो इंटू यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल है, मैंने ज़्यादा कोई हार्ड नहीं किया है, 3 जो है वो ऊपर चली जाएगा। अब इसको हम काट देंगे 4 से, कितने 4 से, 4 8 = 32 इसको काट देंगे, 30 नहीं जाएगा, 7 = 28 जाएगा, 2 = 5 तो ये कितना हो गया, 75 इंटू 3 कर देंगे हम, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15 = 1 = 21, 22 / 8 इतने साल लग जाएंगे। तो ये कितने साल हो गया, अगर हम इसको डिवाइड करें, 2 से गया हमारा 16,
16 के बाद में बचा हमारा 6, 65 नहीं जाएगा, 8 जो जाएगा 64, 1/8 ईयर, इतने साल में इतना गुना हो जाएगा। देखिए अब पहले मैं फिर से बता दूँ मैंने क्या किया। देखिए कोई धन 15 साल में 2.6 गुना होता है तो वो 4 गुना कितने साल में होगा, मतलब अगर वो 1 रुपये था तो वो 2.6 रुपये हो गया, तो 100 रुपये था तो वो 260 हो गया 15 साल में, कितना बढ़ा 160 बढ़ा, कितने साल पे 15 साल पे, तो एक साल पे कितना बढ़ेगा 15 से डिवाइड कर देंगे हम 32/3, ये हो गई हमारी रेट, ठीक है, यही हो गई हमारी रेट। मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने, एक ही साल में 100 के ऊपर जो भी हम कमाते हैं तो वही हमारी इंटरेस्ट होती है, वही हमारी रेट होती है। तो यहाँ पे हमने निकाला कितना निकाला, पहले ये 15 साल का इंटरेस्ट था, अब मैंने एक साल का इंटरेस्ट निकाला है, ये एक साल का इंटरेस्ट है, 15 डिवाइड में कर दिया तो एक साल का आ गया, एक साल में हमें इतना कमाते हैं और हमें कितने कमाने हैं 300 जोड़ना है, तो ये कितने साल में लगेगा, एक साल में लगेगा 32.8, 32/3, ये एक साल का इंटरेस्ट है, तो ऐसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये बता देगा इतने साल में कितने, एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 28 साल 1/8 साल, इतने साल में 4 गुना हो जाएगा। सपोज़ कीजिए इसकी जगह ये क्वेश्चन दे देता है, देखिए अब हम फास्ट कैसे करेंगे, ये तो हो गया समझाने का तरीका, ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं। मैंने लिखा 12 साल में होता है ये 4.6 गुना होता है तो वो कितने में 5/2 होगा, 5/2 कितने साल में होगा, देखिए 4.6 पहले हम मान लेते हैं 100, फिर ये हो गया 460 12 साल में, ठीक है, अब ये 5/2 का मतलब हो गया 550 कितने साल में होता है, ये चीज़ पूछिए हमसे। अब हम देख लेंगे 360 12 साल का आ रहा है तो ये हमें एक साल का दे देगा, एक साल में आ रहा है हमारा 30, हमें कितना जोड़ना है, हमें 450 इंटरेस्ट चाहिए, 450 इंटरेस्ट जब इसमें जोड़ेंगे तो 550 हो जाएगा, तो अब हम इसको कितने साल में जोड़ेंगे, सिंपल एक साल का डिवाइड कर देंगे, ये कितने आ गया 15 साल, कितने साल में जुड़ गया, ये जुड़ गया हमारे 15 साल बाद में। यदि कोई धन 12 साल में इतना होता है तो कितने साल में इतना गुना होगा, ये फ्रैक्शन में था, इसको हम अगर हम चेंज करेंगे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको 5.5 लिख सकता हूँ, ठीक है, इस 5.5 को मैंने 550 कर दिया, 550 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप वो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, 15 साल में कोई धन 2.65 गुना होता है, कितना 2.65 गुना होता है तो वो कितने सालों में 4.3 गुना होगा, कितने सालों में वो 4.3 गुना होगा। देखिए अब हम सीधा लेके चलेंगे, ठीक है, अब हम वैसे नहीं, एग्ज़ाम में हम कैसे करें, एग्ज़ाम में मैंने बोला 165 मिल रहा है 15 साल का तो ये एक साल का आ जाएगा, 1 जा गया 15, 1 बचा 1 जा गया, एक साल में हमें कितना मिल रहा है 11, हमें कितना चाहिए, ये है 430, हमें चाहिए 330, एक साल में हमें मिल रहा है 11 तो ये कट गया, ये आ गया हमारा 30 ईयर्स, कितना आ गया हमारा 30 ईयर्स। एग्ज़ाम में हमें बस ये चीज़ करनी है, इतना सा ही करना है, हमें 3 लाइनों के अंदर इसका हमें आंसर दे देना है तो वो एग्ज़ाम में क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा। आज जो है, आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो गया, ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट की क्या थी, स्पेशल क्लास थी, इसमें सिंपल इंटरेस्ट के अंदर रेट और टाइम के बेस्ड क्वेश्चंस थे, टाइम पूछता है, रेट पूछता है, या ये पूछता है कितने साल में कितना गुना हो गया, ये सब पूछा गया इसमें, ठीक है। अगर आप नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।